फंजे क्या होते हैं दे आर ओबियसली ऑर्गेनिजम्स दे आर मल्टीसीलूलर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स अगर आपको याद होगा शायद आपने आप प्रीवियस क्लासेज में ये क्लासिफिकेशन पढ़ी है जो कि रॉबर्ट वाईटेकर ने दी थी उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स फाइव ग्रुप्स में डिवाइड किया था किंगडम मोनीरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजे किंगडम एंड किंगडम एनिमेलिया तो फंजे उसमें एक किंगडम आता है Uh, तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म हो, होते हैं दे आर मल्टी सेल्युलर सेप्रोफिटिकर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स एंड दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक ठीक है तो यही पढ़ेंगे हम ये कौन से डिजीजेस ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस करते हैं सो सी फंजे काज ए लॉड ऑफ डिजीजेस बट हियर यू हैव टू डिस्कस दीज टू टाइप्स ऑफ डिजीजेज दैट्स द रिंगवर्म एंड एथलीट्स फूड फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग वर्म ये जो रिंगवर्म है ये फंगस होता है ठीक है ये डिजीज़ प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बींग्स में एंड दिस डिजीज़ यूजअली अफेक्ट स्किन नेल्स एंड हेयर्स ठीक है इन में ये इफ़ेक्ट अपना प्रोड्यूस करता है और ये कैसे फैलती है ये डिज़ीज़ इट इज़ स्प्रेड बाय मींस ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को ये वाली डिजीज़ है अगर उसका स्किन या नेल्स या हेयर्स दूसरे हेल्दी इंसान के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको भी ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है ठीक है इसके सिम्टम्स क्या है रेड स्किन इची स्किन ठीक है स्किन रेड होता है और खुजली आती है और सर्कुलर पैचेस आते हैं स्किन पे रिंग पैचेस, रिंग शेप्ड पैचेस पैचज पे आते हैं ठीक है दैट्स वाई द वर्म इज कॉल्ड एज रिंग वर्म, रादर द फंगस इज कॉल्ड एज रिंग वर्म बेसिकली इट्स नॉट ए ट्रू वर्म वर्म आर इंक्लूडेड इन अदर यू नो ग्रुप ऑफ एनिमल्स यहाँ पे ये यह मिस है तो ये फंगस है एक जिसका नाम है रिंग वर्म ये प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ जिसकी वजह से उनका जो स्किन है वो रेड हो जाता है उसमें खुजली हो जाती है एंड देयर आर रेड शेप्ड पैचेज ऑन स्किन सेकेंड डिजीज़ जो फंगस प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग्स में दैट्स एथलीट्स फूड वी हैव टू डिस्कस इन योर टेक्स्ट बुक तो यहाँ पे ओबियसली एज द नेम सजेस्ट दिस इज अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स फीट फीट पे यह डिजीज़ लग जाती है तो इससे क्या होता है इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन बिटवीन टोज टोज के बीच में बहुत ही इचिंग हो जाती है और बर्निंग सेंसेशन हो जाती है और जो स्किन होता है टोज़ का आई मीन फिंगर्स और फीट और जो सोल होता है उस पर क्रैकिंग हो जाती है उसका स्किन बहुत ही ड्राई बहुत ही हो जाता है तो अगर कभी कभार हमें ज़्यादा इचिंग हो जाती है बिटवीन द टोज़ या तो क्रैकिंग ऑफ टोज हो जाएगी या तो स्किन ड्राई होगा इधर ऑन द टोज और ऑन द सोल हमें जल्दी ही स्पेशलिस्ट कंसल्ट करना चाहिए सो दिज आर द टू इंपॉर्टेंट डिजीज विच आर काज्ड बाई फंजे नो लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ जो ये है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ठीक है ये हम किस किंगडम में इंट्रोड्यूस इनको करते हैं इनको हम आई थिंक किंगडम प्रोटिस्टा येस बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड द सेल इज यू केटिक दैट हाईली एडवास्ड सेल तो इनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं जो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है आई मीन यूनिसेलुलर प्रोकेरियाट्स जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो उनको हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं तो प्रोटोसुआ जो है

ये एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ओबियसली इट्स इज बाय बाई प्रोटोजुन दैट कॉल्ड काल्ड एज प्लासमोडियम ठीक है ये इसका मेन काज है मलेरिया इज काज बाय प्रोटोजूवन विच कॉल्ड एज प्लास्मोडियम ठीक है लेकिन ये प्लास्मोडियम बहुत ही छोटा होता है इट्स ओबियसली यूनिलुलर यूकेरटिक ऑर्गेनिज्म इसको कौन कैरी करता है इस ऑर्गेनिज्म को इसको फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कैरी करती है ठीक है ये जो एक मॉस्किटो के बहुत सारे ये टाइप्स होते हैं एनोफिलिस है क्यूलेक्स है एड्स मॉस्कीटोज है ठीक है तो यही मॉस्किटो जब आ, ये आ, ये ना प्लास्मोडियम कैरी करती है जब एक इंसान को ये बाइट करती तो प्लास्मोडियम उस इंसान के अंदर जाता है बेसिकली मलेरिया यूजली बहुत सारों को concept यह कॉन्सैप्ट होता है डेट मलेरिया इज काज बाई फीमेल एनोफिल्स यहां पर मैंने फीमेल की सिम्बल जो है बायोजिकली वी डिजिग्नेट फीमेल एज बाई दिस सिम्बल ठीक है ये छोटा सा क्रॉस अपर सर्कल यूजअली uh, हम क्या कहते हैं मलेरिया इज काज्ड बाई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बट दैट इस नॉट अ केस एक्चुअली इज कार्ड बाई अ प्लस मोडियम प्रोटोजोन बट एनोफिलिस मॉस्टो एक्टिस एज वैक्टर्म मीनज दैट एक्टिस एज कैरियर वो इसको कैरी करती है ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब एक इसी इंसान को बाइट करता है फिर ये ये मॉस्किटो तो उसमें प्लास्मोडियम चला जाता है ठीक है तो इसकी जो कॉमन सिम्टम्स है वो है फीवर और चिल्स कंटिन्यूअसली कभी कभार हाई टेम्परेचर जाता है बॉडी का तो कभी कभार बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है तो चिल्स एंड फीवर आर इट्स मेन सिम्टम्स सेकेंड इंपॉर्टेंट डिजीज़ काज्ड बाय प्रोटोजोआ इज़ अमीबिक डिसेंट्री ठीक है क्या नाम है इसका अमीबिक डिसेंट्री बिकॉज इट इज़ काज बाय अ प्रोटोजोन कॉल्ड एज अमीबा एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका यहाँ पे आपको बुक में शायद मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे आपसे याद रखोगे दैट अमीबिक इज़ वन ऑफ द डिजीज इज काज बाई प्रोटोजुआ एंड कॉल्ड एज अमीबियासिस इस वाले डिजीज का दूसरा नाम क्या है अमीबियासिस तो ये कैसे स्प्रेड होती है इट इज़ स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ठीक है बिल्कुल जो गंदा पानी और फूड होता है उसमें ये प्रोटोजवन होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलिटिका तो ये उसकी वजह से स्प्रेड होता है यूजली ये इंटेस्टाइंस को इफेक्ट करता है वहाँ पर स्कार्स बनाता है ये जो प्रोटोजवन होता है ठीक है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं डायरिया स्टोमक क्रैम्प्स हो जाते हैं स्टोमक में दर्द हो जाता है डायरिया एंड ब्लड स्टूल स्टूल्स भी स्टूल्स के साथ ब्लड वोज आउट होता है ठीक है दे आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस वेरी टाइप ऑफ डिजीज दैट्स अमीबिक डिसट्री आर अमीबिएसिस इट्स काजड बाई प्रोटोजोन एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका आप याद रख सकते हो फाइनली इट्स द वर्म्स अगर हम बात करेंगे यहां पर वर्म्स दो टाइप्स के होते हैं राउंड वर्म्स एंड टैप वर्म्स राउंड मीनेज जिनकी बॉडी जो बिल्कुल वर्म फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होंगे और बट इनकी बॉडी राउंड होगी टैप मीनेज जिनकी बॉडी राउंड नहीं होगी वो फ्लैट होगी ठीक है दे और ऑल्सो इन वर्म फॉर्म स्ट्रक्चर बट देयर बॉडी इज नॉट राउंड दैट स्टे लाइक ठीक है तो ये डिजीजेज़ uh, कौन सी प्रोड्यूस uh, करते हैं बहुत सारे डिजीजेज प्रोड्यूस uh, करते हैं ये आम um, इंसानों में तो यहाँ पे फेमस जो दो टाइप्स ऑफ आप डिजीज़ आपको डिस्कस करनी है दैट्स टीनियइसिस एंड एल्फेंटिस टीनिएसिस इज काज बाय टेफ वॉर्म ठीक है आप याद रखोगे दिस वेरी डिजीज काज बाई टैफ वाम तो उसका उसके जो सिम्टम्स है दैट्स इन हमें प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती है ठीक है तो जब डाइजेशन नहीं होगी प्रॉपरली तो एनामिया होता है खून की कमी जिसको हम बोलते हैं ठीक है इट और बीफ अगर हम जो आ, हमारा जो ये बीफ हम खाते हैं तो बाकी खाते हैं अगर हम बीफ तो हम खाते हैं बीफ अगर हम अंडर कुकड लेंगे उससे हमें ये आ, डिजीज हो सकती सो वी मस्ट ऑलवेज कुक फूड वेल अगर उसमें कोई जर्म भी होगा वो हीट से किल हो जाएगा तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है इससे ग्रोथ स्टॉप uh, होती है बच्चों को ठीक है उनमें uh, बिल्कुल भी uh, ये ना उनमें वॉमिटिंग हो जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनैमिया हो जाता है वॉमिटिंग हो जाती है एक्स्ट्रा नाउ फाइनली इट्स द एल्फेंटिस डिजीज़ एल्फेंटीसिस डिजीज़ एज नेम सजेस एल्फेंट एल्फेंट ठीक है क्योंकि इस डिज़ीज़ में जो लेग्स होती है अफेक्टेड इंसान की वो बिल्कुल स्वोलन हो जाती है अपेयरिंग लाइक दैट ऑफ एन एलफेंट दैट्स वाले एल्फेंट ऐसेज इट इस काज्ड बाई राउंड वर्म यहाँ पे ये राउंड वर्म प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है वचैरिया बैंक्रॉफ्टी ये इसका बायलॉजिकल uh, नाम है रात कैंसर इट जोलॉजिकल नेम ऑफ दिस वर्म एल्फेंट ईसिस जो डिजीज प्रोड्यूस करता है उसका क्या नाम है वचैरिया बैंक्रॉफ्टी तो यहाँ पर ये यह जो वर्म है ये छोटी सी वर्म होती है इसको भी एक कैरी करती है एक मॉस्किटो जिसका नाम है क्यूलिक्स क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है वो इस ना इस वर्म को कैरी करती है जब ये मॉस्किटो बाइट करता है इंसान में तो ये वर्म भी उसमें चला जाता है सो क्यों मॉस्किटो इज़ नथिंग इट जस्ट एक्टिस एज अ वैक्टर फॉर कैरिंग दिस वर्म दैट विचारेरिया बैंक्रॉफ्टी इसके क्या सिम्टम्स है स्वोलन आर्म्स एंड लेग्स लेग्स में ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और आर्म्स भी स्वोलन हो जाते हैं तो जिसकी वजह से ये एल्फेंट के जो लेग्स हैं उन, उनकी लुक उनकी अपेयरेंस देता है ये डिजीज़ ठीक है

बाई मीस ऑफ कंटैक्ट विद ए हेल्दी पर्सन तो प्रोटोजुआ जो है डिजीज काज्ड बाई प्रोटोजुआ लाइक मलेरिया एंड मे बी रिसेंटरी देआर नॉट ट्रांसमिटिड डायरेक्टली बट बाई मीन्स ऑफ सम इधर बाई मीन्स ऑफ कंटामिनेटिड फूड एंड वाटर आर बाई सम अदर ऑर्गेनिजम्स विच आर कैरियड बाई वैक्टर्स एज इन केस ऑफ मलेरिया द वैक्टर एक्टिस एज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो यहां पर फिर फाइनल कैटेगिरीट इज द वर्म्स अराउंड वर्म्स तो टीन एजिस इज काज बाई टेफ वर्म एंड uh, जिसको हम टीनिया सोलियम बोलते हैं यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा अगर आप याद रखोगे टीनियसिस हमको यहाँ पे दो वर्म्स दो टैप वर्म्स प्रोड्यूस करती है अगर हम बात करेंगे पोक पोक टैफॉर्म उसका जो जोलॉजिकल जो नेम है डेट्स टीनिया सोलियम अगर हम बीफ टेफाम की बात करेंगे दैट्स टीनिया सजेनेटा तो यहाँ पे हमको जो मुस्लिम्स हैं उनको टीनिया सजेनेटा होता है नॉट टीनिया सोलियम बिकॉज वी डोंट टेक पोक बाकी नॉन मुस्लिम्स को टीनिया सोलियम भी होता है और टीया सजेटा भी होता है इसमें क्या होता है इंडाइजेशन होती है एबडामल पेन होते हैं वॉमिटिंग वगैरह तो इसमें बच्चे बहुत बाकी जिसमें भी ये होगा तो वो बहुत उनको बहुत वीकनेस फील होती है क्योंकि वो खाते ही नहीं हमें अगर वो खाएंगे भी फिर स्टिल दैट फूड डजंट गेट डाइजेस्टेड ओबवियसली दे सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिशेंसी डिजीजेस देन वी डिस्कस्ड एलिफेंट एज यू कैन सी इट्स कॉज्ड बाय अ राउंड वर्म व्हिच विचारेरिया बैंक्रॉफ्टी यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बोलूँगी जब भी हम जूलॉजिकल नाम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये इसमें दो पार्ट्स होते हैं जैसे यहाँ पे है विचारेरिया बैंक्रॉफ्टी पहला पार्ट जो है इसको हम जेनरिक नेम बोलते हैं इसका जो तो इसकी जो पहली होती हम है, है? इसकी जो इसकी जो लेटर होती है वो हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं ठीक है so, बट तो इस, इसकी जो दूसरा पार्ट होता है नेम का इसकी जो फर्स्ट लेटर होती है वो हमेशा समाल लिखते हैं जैसे यहाँ पे मैंने बी समाल लिखा है सो रिया बैंक्रॉफ्टी तो इट्स इसकी जो वैक्टर है दैट्स फीमेल क्यूलिक्स मॉस्क्यटो इसकी जो सिम्टम दैट सोल इन आर्म्स एंड लेग्स सो दिस वर फ्यू डिजीज विच वी डिस्कस टूडे इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर थैंक यू